हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन एज यूजुअल आई एम नवनील गौड़ फ्रॉम टैगोर स्कूल परबतसर एंड वी आर हियर फॉर स्टडिंग द थर्ड लेसन ऑफ ईवीएस बुक ऑफ क्लास फोर्थ। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वन पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इन माय प्रीवियस वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके थे। आई हैव पोस्टेड वन वीडियो ऑफ दिस लेसन ऑलरेडी, पहले से ही मैं इसका एक लेसन, एक जो वीडियो है इस लेसन का, वो मैं पोस्ट कर चुका हूँ। आई होप यू हैव वॉच्ड द दैट वीडियो। श्योरली, निश्चित रूप से आपने वो वीडियो देखा होगा जो मैंने फर्स्ट वीडियो इस लेसन का अपलोड किया था। एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड टू लेसन्स एंड देयर क्वेश्चन आंसर्स इन प्रीवियस वीडियोज। और हम पिछले वीडियोज़ में दो लेसन और उनके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड आई होप यू हैव आल्सो कंप्लीटेड दीज क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक्स। और आपने भी अपनी नोटबुक्स में ये टू लेसन्स के क्वेश्चन आंसर जरूर कंप्लीट किए होंगे। इफ़ यू डिड नॉट कंप्लीटेड योर क्वेश्चन आंसर्स ऑफ टू लेसन्स, यू हैव टू कंप्लीट योर टू लेसन्स क्वेश्चन आंसर फर्स्ट। अगर किसी ने टू लेसन्स के क्वेश्चन आंसर नहीं किए हैं तो उनको पहले टू लेसन्स के क्वेश्चन आंसर करने चाहिए और फिर ये आगे का थर्ड लेसन देखना चाहिए, समझना चाहिए। लेट्स स्टार्ट टूडेज स्टडी डियर स्टूडेंट्स। आइए शुरू करते हैं आज की स्टडी फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो से आगे। एंड यू कैन, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, द लेसन्स नेम इज आवर सेंस ऑर्गन्स। लेसन का नाम है हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारे ज्ञान के अंग, ज्ञान प्राप्त करने के अंग, जिनको हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं हिंदी में, जिनसे हम सेंस प्राप्त करते हैं, जिनसे हम ज्ञान, फीलिंग्स, अनुभव प्राप्त करते हैं। ऐसे जो ऑर्गन्स हैं हमारी बॉडी में, उनको सेंस ऑर्गन्स कहा जाता है। और ये हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, देयर आर फाइव सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में पांच सेंस ऑर्गन्स होते हैं, विच फिगर्स यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, जिनके फिगर्स यानी जिनके चित्र आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, दीज आर आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। दीज आर आवर फाइव सेंस ऑर्गन्स, ये अपने पांच सेंस ऑर्गन हैं। हमें आज शुरू करना है फर्स्ट सेंस ऑर्गन से। वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल द सेंस ऑर्गन्स। आज हम लोग डिटेल से स्टडी करने जा रहे हैं सेंस ऑर्गन्स की। द फर्स्ट सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज आईज। पहला जो सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का, वो है आईज यानी आंखें। अवर आईज हेल्प अस, हमारी आईज हमारी हेल्प करती है टू सी द थिंग्स, चीजों को देखने में, अराउंड अस हमारे चारों ओर। व्हेन वी सी, जब हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, जो लाइट यानी प्रकाश होता है उस ऑब्जेक्ट से, एंटर अवर आईज, वो हमारी आंख में प्रवेश करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज़ हमें कब दिखती है, जब लाइट किसी चीज़ पर गिरती है और उस चीज़ से टकरा करके अपनी आईज़ में एंटर करती है, प्रवेश करती है, तब हमें कोई चीज़ दिखती है। इसीलिए अंधेरे में रखी हुई कोई चीज़ हमें दिखती नहीं है, क्योंकि लाइट उस पर गिरती नहीं है, और लाइट उस पर गिरती नहीं है तो उससे टकरा कर हमारी आईज़ में एंटर करती नहीं है, तो वो हमें चीज़ नहीं दिखती है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है कि कोई भी चीज़ हमें कब दिखती है, जब लाइट यानी प्रकाश वो उस चीज़ के ऊपर गिरता है और उस चीज़ से टकरा करके, रिफ्लेक्ट हो करके हमारी आईज़ में जाता है, और तब वो चीज़ हमें दिखाई देती है। यहाँ पर यही बात कही जा रही है, व्हेन यानी जब, वी सी, हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट, कोई चीज़, द लाइट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट से लाइट एंटर्स यानी प्रवेश करती है अवर आईज, हमारी आंखों में। एज ए रिजल्ट, परिणाम के रूप में, एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट की इमेज यानी उस ऑब्जेक्ट का चित्र, इज फॉर्म्ड, बनता है इनसाइड द आईज, आईज के अंदर, आंखों के अंदर। तो जब कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर
ऑब्जेक्ट से आती है अपनी आंखों के अंदर, लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट यानी किसी भी वस्तु से टकरा करके हमारी आईज में एंटर करती है, तो उसके रिजल्ट से, उसके परिणाम से हमारी आईज के अंदर एक इमेज बनती है, एक चित्र बनता है उस चीज का। द रिजल्ट एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इनसाइड द एरिया, यहां तक हमने पढ़ लिया है। द नर्व्स ऑफ द आईज, अब आंख में, आईज में चित्र तो बन गया उसका, अब क्या होता है वहां से जो नर्व्स होती है, हमारी जो तंत्रिकाएं होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं हमारे ऑर्गन्स में, मस्क्यूलर सिस्टम में हम पढ़ चुके हैं। तो वहां आंख में जब कोई इमेज बनती है, कोई चित्र बनता है किसी चीज का, तो वहां से जो नर्व्स होती है, जो नसें जिनको हम आम भाषा में नसें कहते हैं या तंत्रिकाएं कहते हैं, इंग्लिश में नर्व्स कहा जाता है उनको, नर्व्स इन द आईज, वो जो आंख के अंदर नर्व्स होती है, सेंड मैसेजेज टू द ब्रेन, वो आंख के अंदर की जो नर्व्स होती है वो एक मैसेज ब्रेन के पास भेजती है, दिमाग के पास भेजती है। मैं यहां पर फिर से आपको बताना चाहूंगा, जो भी सेंस ऑर्गन होते हैं अपने, जो फाइव सेंस ऑर्गन है, वो सारी फील करने के बाद, किसी भी चीज को फील करने के बाद उसका मैसेज ब्रेन को भेजते हैं, दिमाग को भेजते हैं, और दिमाग में जाने के बाद वो चीज हमें क्लियर होती है। तो यहां पर आई के साथ भी यही हो रहा है, आईज, जब आईज के अंदर जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट अंदर आती है आई के अंदर, आंख के अंदर, तो आई के अंदर की जो नर्व्स होती है वो मैसेज भेजती है ब्रेन को। द ब्रेन रीड्स द मैसेजेज, ब्रेन इन मैसेजेज को रीड करता है, पढ़ता है, एंड एनेबल अस, और हमें योग्य बनाता है टू नो द शेप, उसकी आकृति जानने की, साइज उसका आकार जानने के लिए, कलर यानी उसका रंग जानने के लिए, एंड डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, और वो चीज कितनी दूर पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, ये यानी उस चीज के बारे में सारी चीजें हमें दिमाग से पता चलती है, ब्रेन से पता चलती है। हमें लगता है हम आंखों से देख रहे हैं, लेकिन आंखों का काम इतना ही है कि उसकी इमेज बना करके उसकी इंफॉर्मेशन ब्रेन को भेज देता है, और ब्रेन में फिर ये सब चीजें क्लियर होती है कि उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, उसकी साइज कैसी है, उसका डिस्टेंस कितनी है हमसे, तो ये सारी चीजें ब्रेन में क्लियर होती है। अवर बॉडी रिएक्ट्स, हमारी बॉडी रिएक्ट करती है, हमारा शरीर क्रिया करता है अकॉर्डिंगली, उसके अनुसार, एंड वी मूव अवे, और हम गति करते हैं फ्रॉम द डेंजर, किसी भी खतरे से, आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, मैसेज प्राप्त होने के बाद, ऑफ फ्रॉम अवर ब्रेन, हमारे ब्रेन से। अब जैसे कोई खतरनाक चीज दिख गई आपको, शेर दिख गया या कोई भी खतरनाक चीज दिख गई जो आपको नुकसान पहुंचाती है, तो ब्रेन, जैसे ही ब्रेन ने ये चीजें देखी कि हाँ इतनी दूर तक हमसे कोई खतरनाक चीज है, तो ब्रेन हमारे बॉडी को कमांड देता है कि यहां से निकलो, जाओ यहां से, तो अपन तुरंत वहां से चले जाते हैं। तो ये ब्रेन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी सेंस ऑर्गन होते हैं वो सब अपनी जो भी फीलिंग्स होती है उनका मैसेज ब्रेन को भेजते हैं, और ब्रेन फिर अपने को क्या करना है, अपनी बॉडी को कैसे रिएक्ट करना है अपनी बॉडी को, ये ब्रेन बताता है, ब्रेन उसको कमांड देता है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा आईज के बारे में कि आईज कैसे वर्क करती है। फिर से मैं बता दूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट से लाइट जो होती है वो टकरा करके हमारी आईज में एंटर करती है, अंदर इमेज बनती है यानी चित्र बनता है, वो उस इमेज का मैसेज जो नर्व्स होती है वो ब्रेन तक पहुंचाती है, और ब्रेन फिर कमांड देता है कि हमें क्या करना है। इस तरह से ये अपनी आईज वर्क करती है। केयर ऑफ आईज, आंखों की देखभाल, आंखों की देखभाल कैसे की जाए। नंबर वन, डू नॉट वॉच टेलीविजन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक टेलीविजन न देखें। नंबर टू, डू नॉट प्ले वीडियो गेम्स ऑन और अदर एक्टिविटीज ऑन कंप्यूटर एंड मोबाइल फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक कंप्यूटर और मोबाइल पर गेम नहीं खेलें या कोई एक्टिविटी नहीं करें। नंबर थ्री, अब देखो अभी आप मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग लिमिटेड वीडियो दे रहे हैं, केवल एक वीडियो दे रहे हैं हर क्लास के लिए, ताकि आपको आधे घंटे से ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं पड़े।
ये नहीं कर रहे हैं हम कि दो दो चार चार वीडियो दे रहे हैं या आपको चार चार पाँच पाँच घंटे देखना पड़ रहा है, ऐसा अपन सिचुएशन नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम केवल इसीलिए एक वीडियो हर एक क्लास के लिए दे रहे हैं ताकि वो उसको देख भी सके, उससे रिलेटेड काम कर सके और लंबे समय तक नहीं बैठना पड़े। इसीलिए वरना बहुत लंबे 3-4 घंटों के लिए कंप्यूटर या मोबाइल को देखना अच्छी बात नहीं है, ये आइज के लिए अच्छा नहीं है। नंबर 3, डू नॉट रीड वाइल लेइंग डाउन। जब आप लेइंग डाउन यानी लेटे हुए हों तब रीड नहीं करें, सोए सोए न पढ़ें। आल्सो अवॉइड रीडिंग इन मूविंग बस और कार। चलती हुई कार या बस में कुछ पढ़ने को अवॉइड करें, यानी उससे उसको न करने की कोशिश करें, यानी चलती हुई बस और कार में कोई चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं करें। कभी पढ़ना पड़े तो पढ़ना भी पड़ सकता है, लेकिन रेगुलर नहीं पढ़ते रहें चलती हुई कार या बस में, चलती हुई गाड़ी में। नेक्स्ट है, नेवर रीड इन ए डिम और वेरी ब्राइट लाइट। बहुत धुंधली रोशनी में भी नहीं पढ़ना चाहिए और बहुत तेज लाइट में भी नहीं पढ़ें। नेक्स्ट, डू नॉट रब योर आईज। अपनी आंखों को नहीं रब करें, रब RUB, रब यानी रगड़ना। अपनी आंखों को नहीं रगड़ें विद डर्टी हैंड्स, गंदे हाथों से। नेक्स्ट, डू नॉट रब योर आईज। अपनी आंखों को नहीं रगड़ें इफ़ समथिंग फॉल्स इन टू देम। यदि कोई चीज़ आंखों में गिर गई है तो आंखों को रब नहीं करें। नेक्स्ट, वॉश योर आईज। अपनी आंखों को धोएं रेगुलरली, नियमित रूप से, विद क्लीन एंड कोल्ड वाटर, साफ और ठंडे पानी से। नेक्स्ट एंड लास्ट, वियर सन ग्लासेज। धूप का चश्मा पहने, व्हेन यू गो आउट इन द सन, जब आप धूप में जाते हैं तो धूप का चश्मा यानी सन ग्लासेज को यूज करें। दीज आर सम पॉइंट्स बाय विच वी कैन केयर आवर आईज। ये कुछ पॉइंट्स थे जिनके थ्रू अपन अपनी आईज को केयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट सेंस ऑर्गन इज आवर ईयर्स। अगला जो सेंस ऑर्गन है वो है ईयर्स यानी कान। आवर ईयर्स, हमारे कान। आवर ईयर्स हेल्प अस, हमारे ईयर्स यानी हमारे कान हमारी हेल्प करते हैं टू हीयर, सुनने में। मैनी साउंड्स, कई प्रकार की आवाज़ें, लाइक द ट्विंकलिंग टिंकलिंग ऑफ ए बेल, एक बेल के बजने की आवाज़, और द हॉन्किंग ऑफ कार्स या कार के हॉर्न की आवाज़। दे हेल्प अस, वे हमें हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड इफ ए साउंड इज प्लीजेंट और लाउड, कि कोई भी साउंड जो है, कोई भी आवाज़ जो है वो प्लीजेंट है यानी सुखद है, या लाउड है यानी बहुत तेज है। कोई साउंड प्लीजेंट यानी अच्छी लगने वाली है, या लाउड या बहुत तेज है, ये समझने में भी ईयर्स जो है वो अपनी हेल्प करते हैं, और विभिन्न जो साउंड्स होती है, वेरियस जो साउंड्स होती हैं, उनको भी सुनने में हमारी हेल्प करते हैं, उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं। द आउटर ईयर, जो बाहर का कान होता है, कॉल्ड द पिन्ना, उसको पिन्ना कहते हैं। यहाँ पर दिया हुआ होगा शायद, इसकी स्ट्रक्चर नहीं दी हुई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ पर एक ये देखिए, ये बाहर का कान यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये इसको पिन्ना कहते हैं, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है। द आउटर ईयर कॉल्ड द पिन्ना, बाहर का जो कान होता है वो होता है पिन्ना, जो बाहर आपके निकला हुआ रहता है कान। कैचेज द साउंड, ये ध्वनि को, साउंड को कैच करता है यानी पकड़ता है। फ्रॉम द सराउंडिंग्स, अपने चारों ओर से। द नर्व्स इनसाइड द ईयर्स, कान के अंदर जो नर्व्स होती है यानी जो तंत्रिकाएं होती है, पिकअप द साउंड, वो साउंड को पकड़ती है। एंड सेंड मैसेज टू द ब्रेन, और वो ब्रेन को मैसेज भेजती है। जैसे अपन ने अभी पहले आईज में पढ़ा था कि आईज के अंदर इमेज बनती है और ब्रेन जो नर्व्स होती है वो ब्रेन को मैसेज भेजती है, ऐसे ही इसमें है। इसमें भी जो साउंड है, अंदर की जो नर्व्स है, वो उस साउंड को पिकअप करती है, पकड़ती है, और उसका मैसेज ब्रेन को भेजती है। द ब्रेन रीड्स द मैसेज, ब्रेन जो है वो मैसेज को रीड करता है यानी पढ़ता है। एंड एनेबल्स अस, और हमें उसके योग्य बनाता है टू हीयर द साउंड, साउंड को सुनने के।
ब्रेन में जब वो मैसेज जाता है तो हम उस साउंड को सुन सकते हैं, सुनने में एबल हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं। ईयर्स आर डेलिकेट एंड फ्रेंगल ऑर्गन, कान जो है वो बहुत नाजुक और कंपित करने वाले अंग हैं। वी मस्ट टेक प्रॉपर केयर, हमें सही देखभाल करनी चाहिए ऑफ देम, उनकी। ईयर ड्रम इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारे कान का जो पर्दा होता है, ईयर ड्रम कान का जो पर्दा होता है, इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ईयर, कान के अंदर एक पर्दा होता है जिसको ईयर ड्रम कहते हैं, वो हमारे ईयर का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। डैमेज ऑफ एन ईयर ड्रम, किसी भी कान में ईयर ड्रम का अगर डैमेज हो जाता है, ईयर ड्रम अगर को नुकसान हो जाता है, कैन मेक ए पर्सन डेफ, तो कोई आदमी डेफ बन सकता है, यानी बहरा बन सकता है। अगर कान का पर्दा किसी का फट जाए, अगर नुकसान हो जाए उसको, तो कोई व्यक्ति बहरा भी हो सकता है, डेफ बन सकता है। एंड नाउ दीज आर द पॉइंट्स फॉर केयर ऑफ ईयर्स। ईयर्स की केयर कैसे कर सकते हैं, पहले हमने पढ़ा कि हम आईज की केयर कैसे कर सकते हैं, आँखों की देखभाल कैसे कर सकते हैं, और यहाँ पर अगेन पॉइंट्स आ गए हैं जिनके थ्रू हम ये जानेंगे कि ईयर की देखभाल, हम कान की देखभाल कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज अवॉइड यूजिंग शार्प स्टिक्स, अवॉइड यानी दूर नहीं करें, यूजिंग शार्प स्टिक्स, तीखी तिनकों को और पिंस या पिन्नों को, पिन्नों या तीखी स्टिक्स यानी तिनके को अवॉइड करें, यानी उनको काम में नहीं लें, टू क्लीन योर ईयर्स, अपने कान को साफ करने के लिए, आपके ईयर को क्लीन करने के लिए आप पिन्नों का यूज नहीं करें, पिन नहीं डालें अपने कान में, या जो शार्प स्टिक्स है, तीखे तिनके हैं, ये भी आप अवॉइड करें। अवॉइड करना मतलब उनसे बचें, उनको नहीं करें। इट कैन परमानेंटली डैमेज, ये परमानेंटली नुकसान पहुंचा सकते हैं, स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकते हैं द ईयर ड्रम्स, कान के पर्दे को। यानी अगर आप तीखी चीज़ें कान में डाल देंगे, पिन डालेंगे या तीखे कोई तिनके डालेंगे, तो आपका ईयर ड्रम फट सकता है, उसको नुकसान पहुँच सकता है और आपको सुनने के लिए परमानेंटली आपको डैमेज हो सकता है, स्थायी रूप से आपको नुकसान हो सकता है। द सेकेंड, स्टे अवे फ्रॉम क्रैकर्स, स्टे यानी रहें, अवे यानी दूर, दूर रहें फ्रॉम क्रैकर्स, पटाखों से, क्रिएट ए वेरी लाउड नॉइज, जो कि एक बहुत तेज आवाज पैदा करते हैं, ऐसे पटाखों से दूर रहें। नंबर थ्री, नेवर पुट एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड यानी तरल पदार्थ नहीं डालें इन टू द ईयर, कान में, विदाउट कंसल्टिंग योर डॉक्टर, आपके डॉक्टर से पूछे बिना, उनसे कंसल्ट करने यानी उनसे पूछे बिना, कोई भी लिक्विड यानी कोई भी तरल पदार्थ अपने कान में नहीं डालें। द नेक्स्ट इज अवॉइड लिसनिंग टू लाउड म्यूजिक, बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनना अवॉइड करें, अवॉइड यानी नहीं करें, यानी बहुत तेज आवाज में लाउड म्यूजिक सुनना नहीं चाहिए, और एनी लाउड साउंड या बहुत तेज कोई आवाज हो तो भी नहीं सुननी चाहिए। इट कैन आल्सो डैमेज योर ईयर्स, ये भी आपके कान को नुकसान पहुंचा सकती है, यानी बहुत तेज आवाज में कई लोग गाने सुनते हैं, कान में ईयरफोन लगाकर बहुत तेज आवाज में जब गाने सुनते हैं, तो लगातार अगर ऐसा करता है कोई, तो उसके सुनने की क्षमता कम हो सकती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए, जो कि अपने कानों के लिए, अपने ईयर्स के लिए नुकसानदायी हो सकती है। द नेक्स्ट सोर्स सेंस ऑर्गन इज नोज, अगला जो सेंस ऑर्गन है वो है नोज यानी नाक। अवर नोज हेल्प्स अस, हमारा जो नाक है वो हमारी हेल्प करता है टू स्मेल थिंग्स, चीजों को स्मेल करने में यानी सूंघने में। ए स्मेल कुड बी प्लीजेंट, कोई भी खुशबू अच्छी भी हो सकती है, प्लीजेंट यानी सुखद या अच्छा, कोई भी स्मेल यानी कोई भी सुगंध कुड बी प्लीजेंट, वो अच्छी हो सकती है, लाइक द फ्रेग्रेंस, खुशबू की तरह, फ्रेग्रेंस यानी
सुगंध की तरह, कोई भी स्मेल, स्मेल में दोनों प्रकार की चीजें आती है, अच्छी बदबू भी आती है और खुशबू भी, दोनों को ही स्मेल कहते हैं। यानी खुशबू है तो भी स्मेल है, बदबू है तो भी स्मेल है। तो स्मेल दोनों प्रकार की हो सकती है। स्मेल कुड बी प्लीजेंट लाइक द फ्रेगनेंस, फ्रेगनेंस यानी फूलों की तरह वो सुगंधित भी हो सकती है। ऑफ ए फ्लावर किसी फूल की सुगंध की तरह वो अच्छी भी हो सकती है। और इट कुड बी फाउल और ये खराब भी हो सकती है लाइक द स्मेल ऑफ ए गार्बेज डंप, एक कूड़े के ढेर, गार्बेज यानी कूड़े के डंप यानी ढेर, कूड़े के ढेर की स्मेल की तरह ये फाउल यानी गंदी भी हो सकती है। तो दोनों ही प्रकार की स्मेल हो सकती है। वी डिटेक्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्मेल, हम पहचानते हैं विभिन्न प्रकार की स्मेल को विद हेल्प ऑफ अवर नोज, अपने नाक के हेल्प से। द स्मेल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की स्मेल, सच एज ए फ्लावर, जैसे कि फूल की, रीचेज अवर नोज, ये पहुंचती है अपने नाक में। विद द एयर, हवा के द्वारा, वी ब्रीद इन, जिसको हम सांस में अंदर लेते हैं। द नर्व्स इन द नोज, नाक के अंदर जो नर्व्स होती है, सेंड मैसेजेज, वो मैसेज भेजती है टू द ब्रेन, ब्रेन में। द ब्रेन रीड्स द मैसेजेज, ब्रेन उन मैसेज को पढ़ता है। एंड एनेबल्स अस, और हमें योग्य बनाता है टू स्मेल द फ्लावर, उस फ्लावर की स्मेल को लेने में, समझने में। तो हमने अभी तक तीन सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ा है और तीनों में ही हमने ये देखा है कि जो भी हम लोग सेंस लेते हैं, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका मैसेज ब्रेन के पास जरूर जाता है। और वो लेकर कौन जाता है? नर्व्स लेकर जाती है। हर एक सेंस ऑर्गन में हमने ये देखा है कि जो भी सेंस हम लेते हैं, उस सेंस की मैसेज नर्व्स जो होती है, जो तंत्रिकाएं होती है, वो ब्रेन तक पहुंचाती है। और ब्रेन में जाने के बाद ही हमें उस चीज के बारे में क्लियरली पता चलता है। और बाद में ब्रेन हमारी बॉडी को कमांड भी देता है, अगर उस सेंस के आधार पर कुछ बॉडी से करवाना है, वहां से भागना है, नाक को ढकना है, कान को बंद करना है, जो भी काम करना है, उस मैसेज के आधार पर ब्रेन जो है वो कमांड देता है अपनी बॉडी को, और बॉडी फिर रिएक्ट करती है। तो हमने ये तीनों सेंस ऑर्गन में ये चीज कॉमनली देखी है, बराबर देखी है कि सभी में मैसेज जो है वो ब्रेन तक जरूर जाता है और उसको ले जाने वाली नर्व्स होती है। और यहाँ हम लोग पढ़ेंगे केयर ऑफ द नोज, नाक की देखभाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं जो नाक की देखभाल करने से संबंधित है। नंबर वन, डू नॉट पुट एनीथिंग इन योर नोज, अपने नाक में कोई चीज मत डालें। नंबर टू, क्लीन योर नोज रेगुलरली, अपना नाक नियमित रूप से साफ करें। नंबर थ्री, ब्लो योर नोज जेंटली टू क्लियर द ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स। अब ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स क्या होते हैं? नाक के जो छेद होते हैं उनको नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। तो ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स यानी बंद छेद, कई बार नाक बंद हो जाता है तो उसको ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स कहेंगे, उसको क्लियर करने के लिए ब्लो योर नोज जेंटली, अपने नाक को हम बाहर निकालते हैं। जब नाक बंद हो जाता है तो नाक को बाहर निकालते हैं, तो उसको कहते हैं कि ब्लो करना यानी साफ करना नाक को। तो उसको जेंटली करें आप, जेंटली यानी मुलायम तरीके से करें। ब्लो योर नोज जेंटली, अपने नोज को जेंटली ब्लो करें यानी जो नरमी से साफ करें। टू क्लियर द ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स, जो ब्लॉक्ड नॉस्ट्रिल्स है, बंद नाक है, उसको क्लियर करने के लिए अपने नोज को जेंटली ब्लो करें, उसको नरमी से साफ करें। नेक्स्ट, डू नॉट यूज डर्टी हैंडकरचीफ, गंदे रुमाल को यूज नहीं करें टू ब्लो योर नोज, अपने नाक को साफ करने में। नेक्स्ट, टू मच रबिंग ऑफ नोज, ज्यादा नाक को रबिंग यानी रगड़ना कैन ब्रूस द नोज, वो नाक को नुकसान पहुंचा सकता है। ज्यादा नाक को रगड़ना नाक को नुकसान पहुंचा सकता है। नेवर पुट योर फिंगर्स इन टू द नोज, अपनी अंगुलियां नाक में नहीं डालें। बिसाइड्स मेकिंग योर हैंड्स डर्टी, इसके साथ ही आपके हाथ को गंदा बनाते हुए इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन योर नोज,
ये इसके कारण से आपका जो नाक है उसमें इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, कीटाणु, बीमारियों के कीटाणु वगैरह उसमें जा सकते हैं। इसलिए अपनी अंगुलियों को नाक में नहीं डालें, और इसी के साथ गंदे हाथों की अंगुलियों को तो बिल्कुल नहीं डालें। इसके कारण से आपके नोज में इन्फेक्शन हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नाक के बारे में ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने अभी तक तीन सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा है डियर स्टूडेंट्स, और साथ में हमने ये भी पढ़ा है कि कुछ चीज़ें जो उनकी केयर के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, ये भी हमने साथ में पढ़ा। डियर स्टूडेंट्स, द टाइम इज ओवर नाउ, टाइम पूरा हो गया है वीडियो का, वी हैव टू फिनिश द वीडियो। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन इन नेक्स्ट वीडियो। हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट इस लेसन का अगले वीडियो में। टिल दैट, उस तब तक यू शुड लर्न द लेसन अगेन, आपको अगेन वापस ये लेसन लर्न करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, रीड करना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल द लेसन, ताकि आप अपनी लेसन को बहुत अच्छी तरह से लर्न कर सकें, समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। और जिन स्टूडेंट्स ने सेकेंड लेसन तक का रिटर्न वर्क नहीं किया है, उनको सेकेंड लेसन तक का रिटर्न वर्क भी करना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो नाउ। टिल दैट, सी यू एंड बाय।